हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आकाश और आज हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के मन में ये क्वेरी रहती है कि केपो कब यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, ये कैलकुलेट कैसे किया जाए। मेरे लास्ट वीडियोस पे काफ़ी ज़्यादा ये क्वेरीज आ रखी हैं। एंड बाय द वे, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, कि हिमसेल्फ इज़ माई हैंडल। एंड आज मैं आप लोगों को ये टेक्निक, ये फॉर्मूला समझा दूंगा कि कब केपो यूज़ करना है, कब नहीं यूज़ करना है एंड कहाँ पे यूज़ करना है, गिटार के किस पार्ट में, किस फ्रेट पे यूज़ करना है। हम कुछ सिनारियोज डिस्कस करेंगे। पहला सिनारियो डिस्कस करते हैं। सपोज़ आपने कोई सॉन्ग सुना, उसमें आपको एक अनयूजुअल सी ओपन कोड सुनाई दे रही है। ओपन कोड्स क्या होती हैं, पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। कुछ शेप्स होते हैं ओपन कोड के, जैसे कि सी, ए माइनर, जी। ओपन कॉर्ड्स और दोस कॉर्ड जिसमें ओपन स्ट्रिंग्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। ओके, सो जी, ये सी एड नाइन भी कई बार मिल जाता है हमें, डी, ई, ए मेजर, जी बहुत मिलता है। सो ये नॉर्मल स्टैंडर्ड ट्यून करने पे ये सुनाई देता है। अब सपोज आपने कोई सॉन्ग सुना, उसमें आपको दिख रहा है कि ओपन कॉर्ड है, बार कॉर्ड नहीं है। अब बार कॉर्ड होती तो आपको साफ साफ एक बंद सी आवाज आएगी, आपको लगेगा थोड़ी सी बंद है। ओपन कॉर्ड की थोड़ी रेजोनेटिंग आवाज होती है, देखो एकदम ओपन स्ट्रिंग्स एकदम चिल्ला के बोलती है कि मैं ओपन हूं। सो अगर आपको कुछ अनयूजुअल सी ओपन आवाज लग रही है, जैसे कि आप कह रहे हो यार ये ई माइनर जैसी लग रही है बट थोड़ा पिच बड़ा हुआ लग रहा है और मैं ई माइनर बजा रहा हूँ तो ये आवाज़ नहीं आ रही है, तो प्रॉबेबली केपो लगा हुआ है। केपो कहाँ लगा हुआ है ये कैसे फिगर आउट करना है, ये देखो सॉन्ग है आपका, ऐसे आपको सुनाई दे रहा है, विच इज एक्चुअली जी माइनर, एंड आपको उस पर सुनाई दे रहा है कि उस पर ये जो गिटारिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अब आप कहोगे यार ये जी माइनर पे ऐसी ऐसी कॉर्ड्स कैसे बना ले रहा है, कितनी उंगलियां हैं इसके पास। I lost all right to my privacy. कोई उंगली नहीं है, उसने अपनी पहली फिंगर को फ्री कर दिया है, पहली फिंगर में लगा दिया है केपो। और यहां पे अब आप देखो आपको आपके पास कितनी फ्रीडम है, क्योंकि आपके पास एक फिंगर तो ओपन है, आपके पास एक फिंगर फ्री है एकदम, आपके पास फ्रीडम कितना सारा आ गया। अब इसी को ले लेते हैं ई फ्लैट मेजर। ई फ्लैट मेजर कैसे बनेगा, ऐसे होता है ई फ्लैट मेजर, डी मेजर को एक आगे कर दिया ई फ्लैट मेजर। अब सोचो अगर ई फ्लैट मेजर, अब फ्रीडम देखो हाथ में, ऑलरेडी बढ़िया साउंड कर रहा है। सो पहला सिनेरियो तो ये है कि सुनो कि ओपन कॉर्ड कहाँ पे बज रही है, उसको बिना केपो के फाइंड करने की कोशिश करो। मैं कई बार ऐसी करता हूँ, मेरे को जब भी कुछ ऐसा सुनाई देता है अनयूजुअल, मैं उसको फिगर आउट करता हूँ कि ये है, ये है, ये है, ये है, नहीं है। पहली बात तो आपको केज्ड सिस्टम और केज्ड से रिलेटेड सारी कॉर्ड्स पता होनी चाहिए, सी ए जी ई डी, केज्ड, सी, सी फॉर चाकू, ए जी ई डी, इनको मूव करना आना चाहिए। सी कॉर्ड को कैसे मूव करते हैं, ये रहा सी कॉर्ड, मूव किया डी बन गया, यही एक्चुअली में डी मेजर होता है। ये जो हम डी मेजर बजाते हैं वो सी को ही मूव किया होता है, ये तो सी थी आपकी, इसी को मूव करके ये बनता है। अगर आपने वो सॉन्ग सुना पानी दा रंग, वो यही है ना, ये देखो सी तो है, इसमें बस सी को ओपन यूज किया गया है। सो आपको हर कॉर्ड को मूव कर करके देखो, कई बार बहुत अच्छी साउंड्स आती हैं। ये देखो साउंड्स गुड, तो
इनको आप हर बार मूव करके देखो, सी को ऐसे आप मूव करते हो, ये रहा ई मेजर, एफ मेजर, जी मेजर, ए को कैसे मूव करते हो ऐसे, तो आपको पता ही, बी फ्लैट, बी सी, सी शार्प, बी डी शार्प, ई एफ, जी को कैसे मूव करोगे, जी को बेसिकली ऐसे पकड़ो, देखो गिटार ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे पकड़ा हुआ है, मैं बस ये बजाता हूँ ना, अब जी शार्प बजाना है, तो मैंने इसी को लिया, एक शार्प किया और ए मेजर है जी शेप, ए शार्प, ये नोट डिसाइड कर रहा है कौन सी कॉर्ड बनने वाली है, काफी लोगों को ये चीज ऑलरेडी पता है, ई मेजर तो आपको पता ही है, ई एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए, ऐसे मूव होता है, डी, डी मैं ऐसे मूव करता हूँ, डी शार्प बजानी तो ई, एफ, ये नोट डिसाइड करेगा इस कॉर्ड का नाम। सो हम ऐसे शेप्स मूव कर करके पता करो कि कहाँ पे आ रही है, आपको जहां लगेगा कि यार जी मेजर है बट यहां से बज रही है एंड कुछ ऐसी सी आवाजें निकाल रहा है कंपोजर या फिर गिटारिस्ट, तो क्या करो यहां लगाओ, क्योंकि जहां पे आप बार कर रहे थे जो आपके हाथ का शुरुआत था वहां पे केपोल लगा दो, याद रखना जो भी आपके हाथ का शुरुआत है वहां पे केपोल लगा दो। जब भी हम जी मेजर बजाते हैं तो जी मेजर में ओपन स्ट्रिंग्स कहाँ होती हैं, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे ये होता है, इतना डिफरेंस आता है। सो सपोज हमको ए मेजर बजानी है जी के फॉर्म में, एक दो तीन, यहाँ पे लगेगा कि बज रही है, आई होप इतना क्लियर हो गया। अब इसके आगे देखते हैं, कई बार आपको जैसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत में एक जो रिफ बजाई थी, एंड बाय द वे मैं चाहता हूँ कि आप में से जिसको भी पता है वो रिफ किस सॉन्ग की है, किस बैंड की है, नीचे कमेंट्स में मेंशन करो, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोगों को वो बैंड और वो सॉन्ग पता है, क्योंकि वो बैंड मेरा काफ़ी फेवरेट बैंड में से एक है एंड लोग मुझे जज करते हैं कि मैं कौन सा म्यूज़िक YouTube पे सिखा रहा हूँ, बट दैट डज़ नॉट नेसेसरली मीन कि मेरे को वही म्यूज़िक टाइप पसंद है, मेरा म्यूज़िक इन्फ्लुएंस बहुत अलग है जो हम YouTube पे कर रहे हैं, दिस इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, और मैं एग्जांपल्स लेता हूँ जो आपके आसपास से हैं ताकि आप उनको ज़्यादा रिलेट कर पाओ। एनीवेज दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक, एंड केपो हम कई बार बहुत अलग साउंड करने के लिए भी यूज करते हैं, कि सपोज मुझे कोई रिफ बनानी है, अब आप लोगों को तो पता ही है रिफ्स बनाना और ये गाने के इंट्रोस बनाना ओपन स्ट्रिंग्स में से बहुत आसान होता है, तो केपो लो किसी भी आर्बिट्रेरी कहीं पे भी रख लो एंड देख रहे हो, मतलब बिल्कुल सॉन्ग टाइप की चीज़ें बनती चली जा रही हैं, सो केपो इसमें बहुत यूजफुल होता है। एंड एक जो हमारा लास्ट सिनारियो है, केपो हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोज करने में। ट्रांसपोज करने का क्या मतलब होता है, सपोज आपने कोई सॉन्ग सुना, दिस सॉन्ग बाय राज फतेह अली खान जी, मैं जहाँ रहूँ, एफ पे, सो ये सॉन्ग काफ़ी हाई पिच पे, अब हर सिंगर की पिच अलग होती है, सो ये सॉन्ग काफ़ी हाई पिच पे है एंड सपोज आपकी आवाज़ मेरी तरह थोड़ी सी भारी आवाज़ है और आप इतना हाई नहीं गा सकते हो, एफ मेजर है, तो पता है क्या करो, केपो लो उसी सॉन्ग को, मेरे हिसाब से मैं ये करता हूँ, मैं चार या पांच फ्रेट आगे लगा देता हूँ एंड वही कॉर्ड पकड़ता हूँ एंड इसी को लो ऑक्टेव में गा देता हूँ, सो जो हमारा नोट आ रहा है ए, मैं उसी को लूंगा एंड ऐसे करके गा दूंगा, सो उससे सॉन्ग मेरी आवाज पे जाता है एंड कॉर्ड्स चेंज नहीं होती हैं। इंटरनेट से अगर मैं कॉर्ड्स देख रहा हूँ जिसमें लिखा है कि पहली कॉर्ड एफ है, फिर ए माइनर है, कॉर्ड्स चेंज भी नहीं होती है, कॉर्ड्स भी वही है, मेरे को कॉर्ड्स फिगर आउट नहीं करनी पड़ रही है, बस मैंने केपो लगाया, गाने का स्केल अपनी आवाज के हिसाब से चेंज कर दिया। सो ये आप लोग भी कर सकते हो, आपको कोई फीमेल वोकलिस्ट का सॉन्ग अच्छा लगता है, सपोज श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान का आपको कोई सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है एंड आप चाहते हो कि आप उसका मेल वर्जन निकालो, सो हमेशा
हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स फीमेल टू मेल करने में आपको +5 या +4 पे केपो लगाओगे, आपको दिखेगा कि आपकी मेल वॉइस पे काफ़ी अच्छा वो सॉन्ग आ जाएगा. अगेन दिस इज कम्प्लीटली सब्जेक्टिव, अब डिपेंड करता है आपकी आवाज़ कैसी है. सो गाइज, जब भी आप कोई सॉन्ग फिगर आउट कर रहे हो, किसी का कॉर्ड्स फिगर आउट कर रहे हो, हमेशा ढूंढो कि ईजी कैसे हो सकता है. सॉन्ग अगर है B flat minor पे, तो रादर देन इतनी सारी बार कॉर्ड्स बजाने के चक्कर में, B flat minor मैंने क्या कहा था, जो फर्स्ट फिंगर है वहां पे लगाओ. B flat minor बन गई, अगली कॉर्ड इससे एक पीछे थी, F sharp, ये हो गई है G sharp, F sharp, G sharp. सो हमारी B flat minor, G sharp और F sharp अब बन गई है E minor, D C D. आपको ये सीखना होगा कि बी फ्लैट के दो पीछे हो गई जी शार्प, के दो पीछे हो गई एफ शार्प, आपको ये सीखना पड़ेगा. सिमिलरली ऐसे ही होता है ना, ई माइनर के दो पीछे डी, दो पीछे सी. सो इसी थ्योरी के हिसाब से, इफ मैन लाइक डॉग ही इज गुड मैन, एंड इफ डॉग लाइक मैन ही इज गुड मैन. ई माइनर. एंड एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज ये जो जी का ओपन शेप होता है, सपोज कोई सॉन्ग ए मेजर पे ऐसे है, उसको सिंपल कैसे कर सकते हो, केपो -3 पे लगा के. अगला कॉर्ड है सी शार्प माइनर, तो आपका ये बन जाएगा. काफी कॉर्ड्स सेम भी बन जाती हैं, डी मेजर ऐसे ही बजा सकते हो. सो देख रहे हो, ई मेजर, तो इससे आपको पता चलेगा केपो कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है. एंड आपके और भी कोई भी सुझाव हो या और भी क्वेश्चंस हो, नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखो. बाकी इंस्टाग्राम पे मेरे को अप्रोच करो, अपने क्वेश्चंस मेरे को डालो, मैं उनको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा. एंड बाय द वे, मैं हर बार बोलता हूँ, मैं और मेरी टीम आपको स्काइप और व्हाट्सएप पे लाइव क्लासेस आजकल दे रहे हैं. उसमें हम लोग बिल्कुल डिटेल में समझाते हैं, हर चीज़ बहुत डिटेल में लेते हैं. आपको कुछ भी सीखना हो, एकदम डिटेल में आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा. सो अगर आपको कोई भी चीज़ एडवांस सीखनी हो, एकदम बिगनर से चालू करना, जो कि मैं यूट्यूब पे नहीं करता हूं, एकदम बिगनर लेसन्स, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे अप्रोच करो और क्लास शेड्यूल करते हैं. बाकी टेक केयर, सी यू.